फाइनली जवान तो जवानी है। बहुत अच्छी लगी मूवी को, ऑसम। देख सकते आवाज आ रही है वहां से कितना 5 out of 5, और जितने तो और भी ऐड कर दो। मस्त पैसा वसूले, सब देखने वाला तो बोलता हूं। शाहरुख खान सुपर्ब है, उसका एक्शन बहुत अच्छा है। इंटरवल के पहले का तो पूछो ही मत कितना अच्छा है। अगर आप वहाँ पे रहते ना तो आपका कैमरा वैमरा सब तोड़ देते थे। बहुत तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, हमें कान बंद करने पड़े लिटरली। इतना क्रेज है शाहरुख खान का आज भी, शाहरुख हो या सलमान हो, एंड पीपल लव देम। द काइंड ऑफ स्टारडम एंड सुपर स्टारडम दे हैव एक्वायर्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी व्हाट एवर दे हैव एक्म्प्लिश्ड। शाहरुख खान का जो यंग लुक है वो तो जबरदस्त है, एक्सलेंट है, लेकिन जो उसका बाप का रोल है ना, वो ऐसा रोल है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। कहानी अच्छी लगी है ऐसा, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ वो रोबिन हुड बनता है शाहरुख खान। किरदार मतलब एक किरदार हो तो मैं बताऊं, इतने सारे किरदार उन्होंने, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने बचपन से उनको फॉलो किया ना, तो बचपन से के अब तक वो जो जवान जो नाम दिया गया ना, मैं जवान हो चुका हूँ, एग्जैक्टली वही नाम वही चीज़ें हैं, और बहुत अच्छी पिक्चर जा रही है। एक्शन बहुत अच्छा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि BGM बहुत पावरफुल है, और GK विष्णु की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, जिस तरह से वो एक्शन सीन्स को शूट किया गया है, मतलब इट विल लीव यू लाइक इन ऑ कि क्या है मतलब। और शाहरुख खान कितने डिफरेंट लुक्स ही हैज एक्सपेरिमेंटेड, अमेजिंग। ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान के लिए आए थे हम लोग, और शाहरुख खान पैसा वसूल क्या, पैसा आप डबल दोगे तो भी वसूल है वो। पूरी फिल्म शाहरुख खान के ऊपर ही बेस्ट है। डायलॉग्स तो ग्रेट, वो बाप को बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, सबको वापस सबके साथ आएंगे, अभी नए नए दोस्तों को लेके आएंगे साथ में देखने के लिए। सॉन्ग भी मस्त था उसमें, रोमांटिक सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है, सब सॉन्ग है इसमें, सब मिक्स है। संजय दत्त की भी एंट्री थी, वो जबरदस्त, मतलब मैं तो खुद हिल गया। पहले तो मतलब वुमेन पावर को लेकर चला है, तो बाद में मालूम पड़ा कि उसका अब्बा भी है, तो वो आते हैं। स्टोरी कैसा है? स्टोरी एकदम औसम, वुमेन पावर के ऊपर बताया, स्टोरी बताया कि वुमेन है, पावर है, उनके ऊपर स्टोरी बताया, मस्त है। मतलब जैसा वो बॉलीवुड और साउथ का मिक्सर किया है, मतलब वो मस्त लगा मेरे को। इतनी अच्छी मूवी है इंटरवल के पहले की, इंटरवल के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है। सबका रोल अच्छा है, नयनतारा का रोल अच्छा है, शाहरुख खान के साथ जो केमिस्ट्री है उनका अच्छा है, दीपिका और शाहरुख खान का जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छा है, एटली का बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है। बेटों को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करना, इतना ज़बरदस्त डायलॉग है वो, और जिस टाइम पर वो डायलॉग आएगा ना कि आप खड़े होकर ताली बजाएंगे। सिंगल थिएटर के लिए पिक्चर एकदम फाड़ देगी, और मल्टीप्लेक्स को तो उखाड़ देगी। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पेल बाउंड, आई एम स्पीचलेस। बहुत अच्छी लगी। आई थिंक हमने जवान में शाहरुख खान को एक एक्शन जॉनर ट्राई करते हुए देखा, पहले वो रोमांटिक मूवीज़ करते थे, और अभी एक और सिस्टम आ दिया उन्हें, दिस मूवी इज़ नेक्स्ट लेवल। पठान का भी नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही फुल ऑन एक्शन वॉयलेंस, और इतने अच्छे से सीन्स फिल्माए गए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आप सभी को जवान देखने आना है भाई, हॉल में आओ, थिएटर में।